पंजाब तो लेंगे हल आउंदे ने, लेंदे पंजाब वाले टुकड़े वंडाउंदे ने। पलका विचार सीने नाल लाण नूं बैठिया तैयार। जिया ए सिख सरदार, जिया ए सोने सिख सरदार। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हां, वरियां पिछों तेरे पिंड विच जा आया हां। जिस मिट्टी विच तेरा मुड़का डुलिया सी, उस मिट्टी नो अपने मत्थे ला आया हां। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हां। जड़ियां गलियां विच कदी तू खेडिया सें, उन्हां गलियां नू भी आखिर गा आया हां। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हां। तेरे सक्के सोदरियां नू मिल के ते कुट कुट जफियां पा आया हां। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हां। हुण कदे उदास ना होई इस गल्लों, नवें सिरे में रिश्ते नवें बना आया हां। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हां। जिथे तेरी चौधर सी शरीके विच, उत्थे बैठ के तेरा ना चमका आया हां। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हां। किशन वाले खूह तेरे दे खेतां दी, हरी कचूर सरेहों दी गंदल खा आया हां। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हां। फसलां दा हुन फिकर करी ना तू बापू, तेरे खेती लम्मा फेरा पा आया हां। बापू तेरा एक उलामा ला आया हां। फिर ना आखी ऐ गल वी मैं भुलिया नहीं, पानी तेरे खूह ते करदा बुकी शक शका आया हां। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हां। लंघदे लंघदे दादकियां दियां मड़ियां नू आख सलाम दुआ आया हां। बापू तेरा एक उलामा ला आया हां। जिस रस्ते तू उजड़न वेले टुरिया सें, उस रस्ते नू फेर सलाम बजा आया हां। बापू तेरा एक उलामा ला आया हां। वरियां पिछों तेरे पिंड विच जा आया हां। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल दी टीम अज पहुंची है जी चक नंबर 258 फराले दे विच। इत्थे साडे चढ़दे पंजाब तो कनाडा तो मेहमान आए अपना पिंड देखण। इन्हां दा पिंड सी 47 तो पहले इत्थे पिंड च रहिंदे हुंदे सी, हुण दोबारा ये अपना पिंड देखण आए। अज शाह साहब साडे जिहड़े मेज़बान आ, इन्हां नूं नाल लै के आपां पिंड दिखाणा, जिथे जिथे इन्हां दा गुरुद्वारा सी जां बाकी इन्हां दा घर सी, सारियां चीज़ां जिहड़ियां आप इन्हों दिखाने की कोशिश करनी है जी। साढ़े नाल जुड़े रहो जी। दो तीन जी सारा स्कूल सीगा जी, तीन चार घर जिहड़े बने ना जी। हाँ जी, ये स्कूल सीगा सरदारां दा ते नाल तीन चार रहायशां सीगीआं। गुरुद्वारा भी सी नाल, नहीं गुरुद्वारा इधर है जी, गुरुद्वारा पिछे मस्जिद बनी है। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਮਕਾਨ ਸਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। हाँ जी बिल्कुल, वो पुरानी मस्जिद है जी, पुरानी मस्जिद बिल्कुल है, वो भी तुम दिखाने जी। हाँ बहुत ठीक है। की नाम अपना जी? सुरिंदर कौर। इधर हो जाओ। किदा लगा अपने पिंड आके तुहानू? बहुत वधिया लग्या, इन्ना सानू प्यार मिलिया, बहुत प्यार मिलिया सानू, इन्ना सत्कार कीता जिवें साडे फुल्लां दी हार पाई तुहाडे कोल कुछ हो सानू आ रही है, इन्ना सानू प्यार मिलिया, बहुत ज्यादा प्यार मिलिया इन्ना। अपना की नाम जी? मेरा नाम कुलवीर कौर। अच्छा, तुसीं की सुनिया सी पाकिस्तान दे बारे नवी नस्ल नूं थोड़ा जिहा होर तरह गाइड कीता गया है? नहीं मैं सुनिया तो बहुत सोहना सी क्योंकि मेरे आपदे भी पेरेंट्स इत्थों ही गए सीगे सारे। हाँ जी वो रुड़के दे आ संधू गोत आ उन्हों का। हाँ जी तो वह भी बजुर्ग सारे इत्थों गए हुए सीगे। तो फिर मेरे सौहरा साहब इत्थे सीगे ते फराली पिंड दे। हाँ जी हाँ जी तो इत्थे वो दसदे हुंदे सी साडे मम्मी हुणी डैडी हुणी गल करदे हुंदे सीगे भी असीं इदां इदां करके रहिंदे हुंदे सी उत्थे जांदे हुंदे सी आओ करदे हुंदे सी करदे। हाँ जी फिर बाकी असीं तां पहली बारी आई आं सानूं तां कुछ पता भी नहीं सीगा। असीं कि चल जाने आ सानूं तुसीं बहुत इज्जत मान कीता तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदे आं। कोई लोकां 'च फर्क लगा तुहानूं भी साडे होर तरहां दे होर नहीं 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 क्योंकि इदां सारे हुण आपां मिक्स आ सारे इक्को जिहे आ लोक है ना सानूं कोई फर्क नहीं लगता है। हाँ जी हाँ जिथे जिथे भी जाने की दसोगे हम जाके अपनी नवी नस्ल असी तो बहुत नहीं असी कहांगे भी पाकिस्तान अपने बहुत बढ़िया देश आ भी सारे मिलो चल देखो तुसी अमन दे सफीर हाँ। एक तो मीडिया वो है ना जिहड़ा गलत बयानियां करता तुसी भी मीडिया ही हो तुसी जाके सच्चाई दसनी है जिहड़ी तुसी अपने आप नाल तुहाडे नाल बीती है देखी कोई भी इत्थे प्रॉब्लम नहीं आई जिन्ना नहीं हफ्ता होगा सानू आया इन्ना जिहड़े भी असी जाने आ कोई टैक्सी आ मिले कोई मोटर मिले सारे सानू बड़ा प्यार करते आ इन्ना सत्कार करते सानू सारियां नू। अच्छा कई बंदियां दी ये सोच आ कसाना साहब के पता नहीं मगरों तो बाहर निकले तो मुड़ के घर नहीं आना हैगा इदां दा माहौल भी पैदा किया गया मीडिया ने कर दिता है लेकिन तुसी इत्थे उदों दे फिरदे तुरदे आ बाजारां च गलियां शॉपिंग भी की होगी तुहानूं किहो जिहा लगा? कोई भी सानूं प्रॉब्लम नहीं है तक आई असीं 2 बजे तक भी इत्थे रहे आ रात असीं 2 बजे शॉपिंग की सानूं किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं आई बहुत वधिया असीं रहिंदे इन्ना तां असीं पंजाब च भी सेफ है जिन्ना असीं इत्थे सेफ आ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਮਾਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਸੇਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਪੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 75 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੇੜੇ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਘਰ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੰਚ 'ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੋ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਫਿਰਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੀਟ तो इन्हों तो कोई फर्क नहीं लगा पर सानू थोड़ा जहा दाल सब्जी का थोड़ा जहा है थोड़ा जहा आंदा आ क्योंकि ये हरेक दाल सब्जी के विच मीट पाते हैं। हाँ जी पा लेंगे। सब्जियां पसंद नहीं आईयां नहीं सब्जियां वैसे जड़ियाँ वैजीटेरियन बनदियां वो बहुत स्वाद बनदियां। हाँ बहुत सोहनी बनती है। वेलकम करते हैं तुहानू भी पाकिस्तान की धरती से तुहानू किहो जिहा लगा? बहुत वधिया लग्या ते मेरी एक्चुअली निक्की हुंदी तो तमन्ना सी बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर कई बार इस पिंड विच विजिट करन आए सी मेरी नानी ते मेरे नाना जी और दसदे हुंदे सी अपनी स्टोरीज अपनी लाइफ बारे क्योंकि वो 19 साल दे सी जदों गए आ ते मैनू बहुत चिरां दी तमन्ना सी मैं पाकिस्तान जाना सो नवंबर विच गुरपुरब ते आए एक्चुअली मैं इन्हां सारियां दे वीज़े भरे ते मैं कहा मैं तुहानू पाकिस्तान लैके जाना। हाँ जी ये कहंदे सारे मैनू कहंदे उत्थे तां बहुत डेंजरस माहौल आ जदों इमरान खान दे गोली वजी उस तो बाद कहंदे तुसी कैंसल करो मैं कहा तुसी सारे भावें ना जाओ पर मैं कल ही चल जूँ तो मैं तो जाना ही जाना वहाँ भी मैं सोचिया ही होया मैं ननकाना साहब जाना गुरुद्वारे जाना तो मैं मामा जी ने कहा कि मामा जी तुसी भी जाओ तो आप फराले जाके आइए तो असी हुण असी बहुत खुश हाँ कि असी आए हाँ इत्थे सानू सारियां ने बहुत लाइक इत्थे पंजाबी जिदा बोलते सानू चंगा बहुत लगता इत्थे दा पंजाब बहुत वधिया लगता सारा कुछ सेम अपना कल्चर सेम अपनी लैंग्वेज सेम आ है ना अपना रहन बहन गाने म्यूजिक भी सेम आ है ना ते सो बहुत वधिया लगे इत्थे आके मैं तो कहनी सारे आउण देखण ते भी इत्थे सेफ आ ते लाहौर देखण वाला शहर आ वैसे इत्थे हिस्टरी बहुत आ अपनी पंजाब दी जिहड़ी कि सानू उधरले पंजाब च नहीं दसदी सो असी मैं तो सारिआं नू कहनी आ वी इत्थे आओ इंजॉय करो ते एक्चुअली सपोर्ट करो पंजाब नूं इस पाकिस्तान दे पंजाब। बिल्कुल जी, ये जी तुसीं गल कीती है कि इत्थे दे बारे एक माहौल क्रिएट किया गया, बड़ा डेंजर इलाका है, खतरनाक इलाका है। ये एक सुनी सुनाई गल आ, जिहड़ा बंदा इत्थों आके चला जाता ना वो सोच बदल जाती है। बेशक वो 100 साल की या 50 साल की 70 साल की जिन्नी भी बिल्ड हुई है ना वो चेंज हो जाती है, क्योंकि इत्थे आके सवाए प्यार तो कुछ नहीं मिलता। और दूसरी जी बात तुसीं कीती है ना कि उत्थे जाके तुहानूं जिहड़ी एक नवीं नस्ल है ना उन्होंने कम से कम 2-4 बंदियां नूं तैयार करो, क्योंकि इत्थे दे जिहड़ी खौफ पैदा कीता उन्होंने खत्म करने तुहानूं विजिट जरूर करना चाहिए। एक बारी तुसीं जट हो गए भी डरी गए भी नहीं जाना, इमरान खान दे गोली बज गई। मैं तो नहीं जट ले गया, मेरे दाद के आ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਕ 8 ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ मैं एक्चुअली मेरी मम्मी नू पता नहीं सी ना इन्हां नू पता सी भी इमरान खान दे गोली लग गई आ। मैं क्या तुसी किसी ने दसना नहीं इन्हां नू, नहीं तो इन्हां ने मेरा कैंसल कर देना प्लान। पर फिर बाद दे विच सारे कहंदे चलो जिद्दां हुण तेरा दिल करदा तू चल जा। ते अच्छा, लाहौर दे विच किहड़ी चीज़ ज़्यादा पसंद आई तुहानू देखण दे विच? तुसी बहुत सारियां चीज़ां देखियां होणीआं। इत्थे सफाई बहुत आ। अच्छा, ਤੇ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਾਸ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਆ। साढ़े जी आज जो मेहमान है चढ़ते पंजाब तो इन्होंने मेज़बान है शाहिद कसाना साहब, जिन्होंने फेसबुक पर इन्होंने रबता करके पिंड आने की दावत दी। इन्हों को पूछते हैं कि किस तरह इन्होंने राज़ी किया इन्होंने इत्थे आने लई? जी बिल्कुल जी, सब तो पहले तो मैं सरदार बलविंदर सिंह साहब दा उन्होंने फैमिली का शुक्रिया अदा करदा, अपने पूरे पिंड की तरफों इन्होंने खुश आमदीद कहना कि साढ़े पिंड तशरीफ लैके आए। इन्होंने कज़न जी मेरे नाल रबते सी, उन्होंने कहा जी मेरा कज़न पाकिस्तान आना चाहता। मैं कहा जी बिस्मिल्ला मोस्ट वैलकम। उन्होंने कहा जी उन्होंने पिंड भी जो फराला, मैं कहा जी असी भी तो फराले तो इंशाल्लाह ताला आन असी जनाब अखियां विछावांगे रावां दे विच। ते बहुत शुक्रिया जी सरदार साहब दी फैमिली दा भी, सरदार साहब दा भी। ते इंशाल्लाह ताला असी अगे तो उम्मीद रखदे कि इंशाल्लाह आन, इंशाल्लाह ताला इदां ही तुहानूं प्यार मिलेगा पूरे पिंड दी तरफों इंशाल्लाह ताला जी। बिल्कुल जी, ये 4 बंदे आए आ ते 4 बंदियां ने 400 बंदे दी सोच कम अज कम बदलनी आ, जिन्हां नूं सीधी तरह मतलब जिहड़े डरदे आ लोग उन्हां दा डर खत्म करना। बाकी इन्हां दे नाल चल के बाकी पिंड दी भी सैर कराने आ, साडे नाल जुड़े रहियो जी। आ जी पिंड दे विच लोग अपने घरां चों निकल के सरदारां नाल मिलनी कर रहे आ। किड्डा प्यारा माहौल आ, किन्ने लोग खुश हो रहे एक दूजे नूं देख के, खाण पीण दियां भी दावतां दे रहे आ। हुण इन्हां दा जी जद्दी जिहड़ा घर आ असीं उत्थे लैके चले इन्हां नूं, उन्हां दा घर दिखाणा आ, क्योंकि टाइम भी थोड़ा हनेरा हो रहा आ, फिर वीडियो की क्वालिटी भी वो नहीं रहनी हैगी। इस घर च दसदे जी कि बाले और शतीर 47 तो पहला दे जिहड़े उन्हां दे टाइम दे ओही पाए होए आ, नहीं छत्तां बदलदियां लेकिन ओह ज़ाया नहीं कीती, ओह छत्तां दोबारा पाईयां। अच्छा दोबारा ए दरवाजे भी मतलब पुराने टाइम दे लगदे आ। एक आ बड़ा सारा बल्ब लगा भी लाओ। इसी तरह से कच्ची लकड़ का शतीर लगा हुआ, कुंडे उदों दे लगे, ये मकान जो उदों बने सी पूरे। हां ये अंदरले पासे भी इसी आ जाओ अंदर रियर गार्डन ही है। ਬਾਲੇ ਵੇਖ ਲੋ ਹਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਲੇ ਉਹੀ ਬਲਕਿ ਟਾਇਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਟਾਇਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਤੁਰ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਟਾਇਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਦੀਰ ਵੀ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਚਰਖਾ ਦੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਚਰਖਾ चरखा सी एक जो अगे आए ना 20 साल पहला चरखा है। मेरी बेटी आए कहनी मैं चरखा नानी देख के आना दे के गए। कबड्डी तुम बहुत प्रमोट करते जी किसाना साहब। लाला उम्र ठेकेदार बरोजे का काम करते थे। हाँ जी हाँ जी बरोजे का करते बंदे लाहौर भी बैठे। हाँ जी भाई ने आज बैठा। हाँ जी हाँ जी बैठे वो साढ़े ही असी शरीफ साढ़े। हाँ जी यकूब नासर खान शरीफ बहुत हो गया बेचारे कई यकूब है। मिलो जी बाजी होना मम्मी डैडी है मेरा ब्रदर आ इन्हां दी देख मैं ब्रदर दी ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਾਦੇ ਗਏ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੋ ਥਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਾਪੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਡੈਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਹੀ ਆ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਹਾਂ ਦੋਤੀ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। हाँ जी यही सारे लैके आयो तुम करके बोला था इन्हें तुम किया वीजे मुझे सारा क्रेडिट तानू ही जांदा। हां जी इसे नहीं किया एक्चुअली मेनू कहंदे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜਥਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ मतलब माइंड ने बुरा बनाया सी भी अजीब किस्म का माहौल सारा कुछ नहीं। पर मैनू डर नहीं लगता सी बिकॉज मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स बहुत आ लाहौर दे उत्थे कैनेडा विच वो हमेशा जाते रहंदे हर एक साल। मैं कि जदों वो जा सकदे आ फिर सानू देख ही लिया तुसीं रियलिटी आके देख ही ली ना। हां जी बहुत वधिया बिल्कुल एक बजे तक रहने आ खाना पीना बाहर खाना मैं चौंक जाके तो जेड़ा साडा पंजाब आ 9 बजे तक शॉपिंग खत्म हो जाती है। रात 11 12 साडा पिंड खुला रहंदा इथे 1 2 3 4 बजे तक शॉपिंग करदे आ। लाहौर दा रात में खोलदा कहंदे लाहौर नु रात नु दिन चढ़दे। हां जी बहुत वधिया वा रात नु असीं शॉपिंग करदे आ जाके। दुकानदारां दा बिहेव कैसा हुंदा बाहरों आए बंदे ओह बहुत वधिया ट्रीट करदे सानू डिस्काउंट्स भी दिंदे आ बहुत वधिया। ओह खुश हुंदे आ भी सानू चाह पानी सारा कुछ पुछदे आ ते वैसे भी ओह मेरी पंजाबी देख के कहंदे तुसीं बड़ी ठेठ पंजाबी बोलदे आ तुसीं सिक्खां ने पंजाबी सांभी होई आ। जिथे जिथे पंजाबी बैठे ना दूर नेड़े नहीं पंजाब च हिमाचल प्रदेश साडा हरियाणे च सारे जट भाई बैठे आ पहले सारा पंजाब एक ही हुंदा सीगा। इस करके मैं सबनों यही कहांगा बई पाकिस्तान दे विच जरूर विजिट करो करना चाहिए। थोड़ा बहुत औखा हुंदा कई बार बॉर्डर से आना जाना थोड़ी झाका हुंदी है कई लोग डर जाते हैं पर कुछ भी इदा का नहीं है। पंजाब च तुसीं इधर आके जिदा मर्जी कल्ले रात नूं फिरो। असीं इंडिपेंडेंट ही आए हैं असीं कि जथे नाल नहीं आए। असीं इंडिपेंडेंट ही रहने हैं तो इंडिपेंडेंट ही सफर करते हैं रोज़। सानूं कोई मुश्किल नहीं आती। फौजी भाई सानूं रोकते आ बड़ी इतमान नाल तोर के आउंदे गांह नहीं पुछदे आ कि गांह छड्ड के आइए ते नहीं साडा बड़ा इतमान हो रहा, फूड भी बड़ा अच्छा लग रहा सानू खाण नूं ते लोग भी बड़े प्यार नाल मिल रहे। मेरे दोस्त भी बड़े बनी जाते हैं, गांव तालुका तो वधी जाते हैं। इस करके खास करके पिंड जिते रोटी खांदा उत्ते मेरे ब्रदर भी जिते चाह भी उत्ते दोस्त बन जाता। सरदार जी मेरे नाल फोटो करवानी तुहाडे नाल, सरदार जी साडे नाल बहुत सुभाव चंगा जी, सारे सरकार बहुत मिलदा सारिआं नूं बहुत ज्यादा। एक पिंड पंजाब दा चैनल दी टीम अज आई सी जी फराले विच, जिथे कि शाहिद कसाना साहब दे मेहमान आए सी चढ़दे पंजाब तो कैनेडा तो, जिहड़े कैनेडा में सैटल आ उन्हां दी अपना मेज़बानी की। अज पिंड दिखाया उन्होंने, उन्हों का गुरुद्वारा, उन्हों का घर दिखाया और पूरे क्लब की हैल्प का भी ऐलान किया जी उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने अपना फौजी जमील क्लब जिहड़ा कबड्डी क्लब आ भी हैल्प करने की ऑफर की है जी, दी है जी। शाहिद तुसी ते तुसी सानू जिहड़े इस घर दे मालिक सी ना, हाँ जी, हरपाल ते सनी वड्डे भाई। हरपाल ने मैनू ना अज ही सुबह 10 बजे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੋ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 50000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 50000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੱਭਣਾ, सारा कुछ करना, तो ये साड़ी तरफों ना वह ना बच्चों नूं मिठाई है। ठीक है, तो असी जड़ा ना कज़न है सरदार होना दे मेरे दोस्त है ना जी, उन्होंने हाँ ये 50-50 हज़ार रुपया इन्हों दोवें स्कूलों नूं जी उन्हें भजवाया। तो उस तो बाद उन्होंने ना फरवरी के एंड च या मार्च के शुरू च आना, तो फिर उन्हें कहा कि कोई प्लान शाहिद कबड्डी क्लब वास्ते $500 जी, फौजी जमील कबड्डी क्लब वास्ते जी, इंशाल्लाह मुंडियां दे इस्तेमाल जाऊगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। दूसरा जिहड़ा तुसी कबड्डी टूर्नामेंट किहड़े महीने करवांदे हुंदे हो? असीं हर साल ओहदे च की इनाम दिंदे हो? जिहदा पहला ₹1,00,000 दूसरा 50,000। पहला इनाम ₹1,00,000 ओह देणगे। ठीक है जी, पहला इनाम जिहड़ा अनाउंस मैं करदा उन्हां दी तरफ जिंदाबाद। ठीक है जी, ₹1,00,000 जिहड़ा ओह तुहानूं आ जाएगा जिस वक्त तुसीं रखना, उस वक्त तुसीं मेना ना जिहड़ी ओह फ्लैक्सां बनाणियां ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਟਵਾਲ ਟੋਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ $2,00,000 ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ वो अपना डोनेट किया है जी, जिन्होंने गिफ्ट भी कह सकते हैं, ताकि जोड़े स्कूलों में कुछ ना किसी हवाले ना खर्चा जाए, कोई ये फलाह का काम किया जाए। 50,000 एक स्कूल, 50,000 दूजे स्कूल ये जी। हरपाल सिंह हुणे जोड़े अमेरिका रहते, उन्होंने अपना भेजा सीगा, तो बाकी उन्होंने भी ऐलान किया कि जोड़ा अगे कबड्डी का टूरनामेंट होएगा, उन्होंने भी जोड़ा पहला इनाम है ना वो मेरी तरफों होएगा, और वो भी 1 लाख रुपए की अमाउंट आ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ 50000 ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇੱਕ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਤਨਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਨਰ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮਕਾਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, जिन्होंने इन्होंने साढ़े वास्ते इन्ना टाइम कढ़िया और सानू इज्जत बख्शी। राणा साहब ने बहुत वधिया गल की है कि जिन्ना प्यार मुहब्बत चढ़ते पंजाब वाले लहंदे मिलता आ उन्ना किते नहीं मिल सकता। उसकी एक मेन वजह कि ये साढ़े विचों निकल के गए आसी उन्होंने विचों दी आए हैं। बहरहाल साडा कल्चर एक जबान एक साडा रहन सहन एक साड़ियाँ खुराकां एक इस बुनियाद पर जिहड़ा साडी जिहड़ी मुहब्बत है इन्हां नाल ज़्यादा आ। मस्जिद बन गई है मसीत बना ली है लेकिन यह है कि इबादत वाली जगह तो उन्होंने इबादत वाली ही जगह बनाई है पुरानी जगह आ। उम्मीद करते हैं भाई इन्होंने देख के अच्छी लगेगी खुशी होएगी। सारा गुरुद्वारा सीगा जी गुरुद्वारे वाली जगह तो मस्जिद बनी थे खूह भी आई है उदों दा ही। अच्छा जी गुरुद्वारे नहीं आरा बाद लगा जी लेकिन वो गेट पुराना लगता है गेट बड़ी देर का बाबा बैठा सी इत्थे। ये सारा गुरुद्वारा सी गुरुद्वारे वाली जगह फिर गुरुद्वारा ढा के बाद मसीत बनी सी इत्थे हजे खूह दे है निशान इत्थे जी। हाँ जी हाँ जी सारा चौक गुरुद्वारा सीगा जी सुथरा पिंड है यार तुहाडा। हाँ जी बस अल्लाह दा शुक्र है जी। इत्थे केड़ी बरादरी ज़्यादा बैठी इत्थे गुजर कम्यूनिटी ज़्यादा जी 85% गुजर ने बाकी दूसरी बरादरी गुजर जेह्ड़े मेजोरिटी दे विच ने। लंबड़दारियां भी गुजरां कोई नहीं लंबड़दारी राइयां कोई जी ये अलमिया समझ लो कि साडे नाल लम्मा पिंड है उत्थे ज़्यादा राइयां दी है मेजोरिटी लेकिन उत्थे लंबड़दार गुजर ने इत्थे गुजरां दी मेजोरिटी ते इत्थे लंबड़दार आहो जी इंज करना पैना कोई लुहारा का काम जिहड़ा कर रहे हैं ये भी एक कल्चर दे नाल जुड़ियां हुई चीज़ां आ। हाँ जी आरा लगा आ पुराने वक्तां दा ही किते। हाँ जी गुरुद्वारा देखण तुरे जिथे गुरुद्वारा हुंदा सी सारा गुरुद्वारा सीगा जी सारा ना ढाके बाद मसीत हुण मसीत भी शहीद कीती है जी मसीत भी दोबारा ना बनाउण लगे गुरुद्वारे दी। हाँ जी हाँ जी सारा चौंक ना जी गुरुद्वारा टोटल फिर बाद लोगों ने कोई बना लिया रहायशां बना लिया कोई मस्जिद बन गई सारा गुरुद्वारे का चौंक वह सामने नवीद का घर है कोठी नजर आ रही। हाँ जी वो घर है जी अगले पासे आ जाओ। अच्छा अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। अच्छा अच्छा जी ਦਾਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਘਰ। हाँ जी ਉਧਰ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਨਵੀਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਉਹ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜੀ ਕਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। अच्छा लड़के पुराने लगेगी पिंड बहुत वड्डा बन गया बहुत बड़ा जी क्योंकि इत्थे चिप्पल मुप्पल होंदे ही बंदे डेढ़ बंदे दुपहर नूं। हां जी गल्लां तां मारनियां बंदे बिछा लैणे कहंदे बराते इत्थे बिठांदे हुंदे सी गुरुद्वारे च। हां जी कईयां सालां दी फिर खास जिहड़ी पूरी हो गई अज। हां जी सच्ची गल है जी अब्बा की खास सीगी कि मैं तो अपने परिवार में एक बार लैके जाना फराले तो इसकी बीमारी चली बहुत छेती फौत हो गए नहीं तो अभी पाकिस्तान आने का तैयारी सीगी। अज फिर बापू का पिंड देख लिया। हाँ जी बाबे का पिंड बापू का पिंड मेरा अब्बा 19-20 साल का सीगा जो गया इतों गभरू सीगी चक 94 ब्याह सीगा। हाँ हाँ की नाम ओहदा इत्थे खूह है जी आ जगह ते। हाँ इस पे पुराना गुरुद्वारे का। हाँ जी सारा मैदान इत्थे ही है जी नीवें होके लंघे जरा। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਰਕੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ? ਉਮਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 90 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹੈ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ? ਅੱਠ ਬੱਠ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਖੇਲਣੇ, ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਚਾਰੇ ਹਾਲ ਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਘੁਲਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਪਣੇ, ਭਾਰ ਭੂਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੌਂ ਬੀਛਣੀ ਆ, ਬਲਦਾ ਬੁਲਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਬਾਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਸੌਖੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸੀ ਅਠਵਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਲਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਾਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਨੁਕਰਾਲ ਵੱਜਦਾ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਭਗੌਰੀ ਆ ਕੇ ਬੱਸੇ ਅਸੀਂ। ਭਗੌਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 3-4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਬਈ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ 2008 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਲਿਵਰ ਟਿਊਮਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 3 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਬੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਨ ਹੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਭਗੌੜਾ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ 2 ਘਰ ਬਨਾਮ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬਨਾਮ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਭਗੌੜਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੀਤ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਈ ਆ, 2 ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸੈਕੂ ਵੀ ਰਾਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ 4 ਜੀ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਦਲਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਲੰਬੀ ਬਾਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ? ਵਧੀਆ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੀਨਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੱਜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।